देख रहे थे। इसी में आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू 2000 मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 12 16 18 एंड 21 द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x इज। यहां x जो है स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है और उसको हम 2000 में अगर ऐड करते हैं तो जो नंबर आए वो क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, 12 16 18 एंड 21 का LCM निकालें। LCM निकालने के बहुत तरीके हैं, जैसे 12 का फैक्टर हो गया 4 इंटू 3 एंड 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 16 का हो गया 2 टू द पावर 4, 18 का हो गया 9 दुनी 18 यानी 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 21 का हो गया 7 इंटू 3। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना है, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितना हो गया, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, 7 सिंगल है तो 7 आ गया। ये आया हमारा 1008। अब जो नंबर x होगा वो क्या होगा, ये जो LCM होगा उसका क्या है कि उसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। हमने मान लिया k है, ठीक है, तो जो नंबर x होगा उसमें अगर हम 2000 ऐड कर दें तो वो 1008 के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो LCM है ये जरूरी नहीं है कि इसी पे वो इसी पे आए, इसी पे क्या है कि ये सारे के सारे ये वो जो आपका कहता है कि 2000 अगर हम x में ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये k की किसी और वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि 1008 इज इनटू k, ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो k की किस वैल्यू के लिए होगा, अगर हम k की वैल्यू 1 ले लें तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 1008 और ये 2000 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अब हम k की वैल्यू 2 ले लें तो k की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो ये 2016 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2016 जो होगा वो क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2000 इसमें जब हम ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 2000 ये जो x में 2000 हम ऐड कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो नंबर हमारा होना चाहिए वो 2000 से अधिक होना चाहिए। तो यानी k की वैल्यू 2 पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसे x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 16 है तो 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, यानी कौन सा इस ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 एंड 8 गिव्स रिमाइंडर 1 2 3 4 एंड 6। तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, ये जो 3 4 5 6 और 8 है जिससे कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसका LCM निकाल लें। तो इसका LCM कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। और कहता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1 2 3 4 और 6। तो जब हम इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिविजर से ये जो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 2 2 2 2 2 आएगा, यानी ये क्या हो गया, हमारा कॉमन रिमाइंडर। और आपको बताया था इस कॉमन रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, LCM में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो LCM हमारा 120 आया है, ये 120 ये जो नंबर हमारा 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा जो हमें निकालना है, वो कोई जरूरी तो नहीं है कि 120 माइनस 2 हो, इस 120 का कोई फैक्टर हो सकता है। तो हमने क्या किया, y मान लिया फैक्टर, ठीक है। तो 120y माइनस 2, ठीक है, ये कॉमन 120y हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या कर देंगे, ये कॉमन रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी जो भी नंबर हमारा होगा वो u होगा, 120y माइनस 2 के फॉर्म में होगा, ठीक है, जो 6 डिजिट की नंबर होगी। लेकिन एक्चुअल में हमको जब 6 डिजिट का वो नंबर फाइंड आउट करना है तो 6 डिजिट का नंबर तो 6 टाइम्स 9 आप लिख लीजिए, लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करें, 120 से उसको डिवाइड करें। तो 120 से 6 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर को हम डिवाइड करें, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 3939। अब ये जो रिमाइंडर 39 है इसको ध्यान से आप समझें,
ये जो 39 रिमाइंडर है, अगर हम इसको इस 6 डिजिट के हाईएस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, वो नंबर 120 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही है, यानी 6 डिजिट के हाईएस्ट नंबर से हम ये रिमाइंडर 39 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो नंबर आ रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 120 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी 120y को तो ये सब्ट्रैक्ट, ये सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ये कॉमन रिमाइंडर 2 को भी तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर आया, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, 6 डिजिट की लार्जेस्ट संख्या होगी जिसको हम 3, 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, 2, 3, 4 और 6 आएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।